जय श्री अंशी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और अब आप हमें देख सकते हैं तेज चैनल पे। जैसे मैंने आपको बताया है, आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, सो बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मेरे दो चैनल हैं, ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल और माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल। इसके साथ साथ आप मुझे गूगल पर सर्च कर सकते हैं एस्ट्रो संध्या सक्सेना करके, भी वहाँ मैं आपको मिलूंगी, वो आपको मेरी पूरी जानकारी मिलेगी। अभी साइट बन रही है धीरे धीरे, तो आप मुझे वेबसाइट पे देख सकते हैं, आप मुझे यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप मुझे मेरे फेसबुक लिंक पे भी देख सकते हैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक के। इसके अलावा आप मुझे टीवी पे तेज चैनल पे देख सकते हैं, बाकी कुछ चैनल्स पे बात भी चल रही है, शायद आगे और भी जगह देखें। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ग्रहण पे एक छोटा सा उपाय, ग्रहण के क्या करना है। ग्रहण पे जो एक छोटा सा उपाय है, मैं आपको पूजा बताने जा रही हूँ, तो उस पूजा को हम स्टार्ट करेंगे कैसे। अगर आपके घर में लक्ष्मी का अभाव हो गया है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, इज्जत नहीं है, शोहरत नहीं है, कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, मतलब आपकी कोई डिज़ायर है वो पूरी नहीं हो पा रही है, आपके पास पैसे की बरकत नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, पैसा झंकार करके चाहिए, तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आपको याद होगा मैंने होली पे टाइम पे बहुत से लोगों को बोला था कि वहाँ पे एक सिक्का जो है चढ़ा के उतार के ले आना, उसे पूरे साल बरकत रहती है। पता नहीं कितने लोग लेके आए, ठीक है, लेके आए हैं तो उसको संभाल के रखिएगा, उसकी पूजा करिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं पैसे की, कि यदि आपके पास पैसा नहीं है और आप चाहते हैं आपके पास पैसा आए, तो उसके लिए क्या करना है। तो उसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको कोई समस्या है, हाथ दिखाना हो, कुंडली दिखाना हो, या भी कोई भी सर्विस चार्ज लेना हो, किसी भी तरह की समस्या से परेशान है, तो 8126476099 पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको समस्या का समाधान जरूर होगा। क्योंकि अब वो रोना नहीं है कि आपके मैसेज का जवाब दिया नहीं जा रहा, मेरा स्टाफ बढ़ गया है, मेरा स्टाफ इसी काम में लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे उपाय के बारे में जिससे आपके पास पैसा ही पैसा आएगा। करना सिर्फ इतना है कि जिस दिन सूर्य चंद्र ग्रहण होगा 5 तारीख को पूर्णमासी के दिन, उस दिन आपको आपकी मैया रानी से, यानी कि आपकी जो माता है, यानी कि आपकी जो माँ है, उससे पूरे एक मुट्ठी चावल जो टूटा नहीं होना चाहिए, क्या बोला मैंने, एक मुट्ठी चावल जो बिल्कुल भी टूटा नहीं होना चाहिए, उसको अपनी माँ से भीख में लेना है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, तो यही तो बात है और यही खास है। पूर्णमासी वाले दिन जो भी लोग अपनी माता से एक मुट्ठी चावल भीख में लेंगे, भीख से मतलब ये कि आपकी माँ दे रही होगी और आप हाथ फैला के घुटनों के बल बैठ के अपनी माँ से भीख में उस चावल को लेंगे। जिन लोगों के पास माता नहीं है वो अपनी सास से ले सकते हैं, जिनके पास सास ससुर नहीं है, माता भी नहीं है, तो वो लोग माँ समान किसी स्त्री से ले सकते हैं, मौसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको वो चावल लेना है और वो चावल जो है आप जब ले लेंगे, अगर आप चाहें तो वो चावल पहले से भी लेके रख सकते हैं, उन चावल की ढेरी को जो आपने पोटली में लिया हुआ है उसको आप कटोरी में स्थापित कर देंगे, सामने माँ लक्ष्मी का फोटो रखेंगे और आपको उसके ऊपर शिव सूक्त के जो 16 मंत्र हैं उनको बोलना है। कितनी बार, अगर आप 108 बार बोल लेते हैं तो माशाल्लाह सिद्ध हो जाएगा, मंत्र भी और आप भी, और फिर शिव सूक्त का जो पाठ 108 बार कर लिया पूर्णमासी पे ग्रहण पे, तो यार जिंदगी में कभी पैसे के लिए रोना तो नहीं पड़ेगा। आप इसको हिंदी में भी ले सकते हैं, आप इसको संस्कृत में भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों में ही अवेलेबल है नेट पे। अगर आपको लगता है 108 बार तो जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम तो नहीं कर सकते इतना, क्योंकि शिव सूक्त का 108 पाठ करने में आपको लगभग 4 घंटे लग जाएंगे। तो यदि आप रात में 11:15 से ग्रहण लगेगा, तो आप यदि 11:15 से स्टार्ट करोगे तो 12:01:02:03 बजेगा, लेकिन हाँ आपका पूरा हो जाएगा। नहीं कर सकते तो 54 टाइम कर लीजिए, 54 भी नहीं कर सकते हैं तो 27 तो कर ही लेना, अब इससे नीचे नहीं आऊँगी मैं, 27 टाइम आप कर लीजिएगा चावल की ढेरी पे, और उस पर एक सुपाड़ी जो होती है ना सुपाड़ी, उसको जरूर रख देना है। तो अब आपको क्या करना है, चावल का जितना भी ढेर आपने लिया है, जिनसे भी लिया है, जो भी माँ है आपकी, उसको हाथ में लेना है और
माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, मेरी माता का नाम अमुक है, मैं अमुक स्थान से हूँ। यदि आप मैरिड है तो आप बोलेंगे कि हे माता रानी, मेरा नाम अमुक है, मेरे पति का नाम अमुक है, मैं अमुक स्थान से हूँ। मैं अपनी नौकरी के लिए, अपनी चाकरी के लिए, मैं अपने बेटे की सुख समृद्धि के लिए, मैं अपने बेटे की नौकरी के लिए, आप जिसके लिए भी करना चाहते हो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो। जैसे मैं अपने बेटे के लिए कर सकती हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए कर सकती हूँ, जैसे मैं अपने माता पिता के लिए कर सकती हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं अपने भाई बहन के लिए कर सकती हूँ, जैसे कि मैं इसके लिए कर सकती हूँ, उसके लिए कर सकती हूँ। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे माता पिता बेटी वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आप इसी तरह से आप कर सकते हो। तो माता पिता बहुत कीमती होते हैं, और मैंने हमेशा से बोला है जिनके पास हैं उनको उनकी कदर नहीं होती, लेकिन जिनके पास होते नहीं हैं वो उनको हमेशा मिस करते हैं। तो मेरे पास मेरे मम्मी पापा नहीं है, बहुत टाइम हो गया। पापा तो अभी गए मेरे 10 अप्रैल 2020 को, लेकिन मदर मेरी 2017 में चली गई थी। तो मेरे को लगता नहीं कि एक भी दिन ऐसा जाता होगा कि जब मैं उन्हें याद नहीं करती होंगी। मेरा दिन की शुरुआत उनसे होती है, दिन का अंत भी उन्हीं से साथ होता है। मैंने अपने माँ बाप की बहुत सेवा की है। मैं आपसे एक बात बोलूँगी, मैं आज जहाँ पर भी हूँ ना, आप देख रहे होंगे कि 2017 में मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था, 2020 के एंड तक आते आते मेरे पास 6,20,000 सब्सक्राइबर हैं, 4 करोड़ मेरे व्यूअर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। आज तेज चल रहे मेरे प्रोग्राम्स आते हैं, जानते हो। मैंने अपने माँ बाप की बहुत सेवा की है, बहुत बहुत, मतलब मैंने एक्सट्रीम में जाके सेवा की है, और मेरे माँ बाप हमेशा मेरे साथ हैं। मेरे पास कोई परेशानी होनी होती है तो एक रात सपने में से पहले मेरी माँ मेरे दर्शन सपने में आकर मुझे बता जाती हैं कि ऐसा होने वाला है, और वो मुझे सेफ करती हैं, अलर्ट करती हैं हमेशा, मुझे किसी भी परेशानी से बचा लेती हैं, उनके लिए उनका शुक्र था। तो माँ बाप बहुत खास होते हैं यार, जिनके पास हैं उनको कदर नहीं है, जिनके पास नहीं है मेरे जैसे लोग उनको रोज़ याद करते हैं। तो माँ बाप अगर आपके पास है ना, बहुत प्यार से रखो, बहुत कीमती हैं, क्योंकि आज तो नहीं समझ पाओगे लेकिन जिस दिन नहीं होंगे ना उस दिन मेरी तरह याद करोगे, ठीक। और जिसके पास माँ बाप का आशीर्वाद होता है ना, उसको किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मेरे पास मेरे मम्मी पापा हैं, नहीं भी हैं पर हैं, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा। और मैं एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब मैं उनको याद करके ना सोऊं, और एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब मैं उनको बिना याद के उठूं। इसलिए तो आप अपने माता पिता का बहुत सेवा कीजिए, और माँ का संबंध होता है चंद्रमा से, पिता का संबंध होता है हमेशा सूर्य से। तो मैंने आपसे क्या कहा, चावल की ढेरी लेनी है, उस पर एक सुपाड़ी की स्थापना करनी है, हाथ में लेकर अपना संकल्प लेना है कि मैं इसकी नौकरी चाहती हूँ, इसका ये चाहती हूँ, बरक्कत चाहती हूँ। और फिर आप एक अमाउंट बोल देना, मैं चाहता हूँ कि इस वर्ष जो है मेरी जो एनुअल जो सैलरी हो वो जैसे बोल दो 4 लाख रुपए सालाना हो जाए, 3 लाख सालाना हो जाए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो बोल दीजिएगा, एक अमाउंट बोल दीजिएगा। उस अमाउंट को ध्यान में रखना है कि उसी अमाउंट को बोलना है, साथ में बालू को एक 10 रुपए का नोट भी ले लेना, उस नोट पे पेंसिल से लिखना है, पेंसिल नहीं लिखना है, पेंसिल से आप लिखना है कि हे माता लक्ष्मी, मेरी माँ का नाम लक्ष्मी, हे माता लक्ष्मी, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास सालाना 4 लाख रुपए की इनकम हो, वो भी लिख देना है। और वो नोट को फोल्ड करके किसके साथ, पहले सुपड़ी लोगे, सुपड़ी के चाहते वो गोल गोल नोट करोगे, उस पर एक कलावा बांध के चावल की ढेरी जो कटोरी में डाली है उसके बीच में उसको घुसेड़ देना है, और तब फिर आपको शिव सूक्त के 27 पाठ करने हैं। उसके बाद ये तो ग्रंथ पे बोझ जा जाएगी, लेकिन उसके डेली वो डेरी वहीं रहेगी, उसके आगे डेली एक दिया जलाना है, सुबह एक शिव सूक्त का पाठ और शाम को एक सूक्त का पाठ करना है, और कुछ भी नहीं करना है। ये मेरी गारंटी है कि जितना अमाउंट लिखा था ना, भरा था, उससे ज़्यादा ही पैसे आएंगे आपके पास। मर जाओ लेकिन वो चावल कभी किसी को दे मत देना, उस चावल को खा मत जाना, उस चावल को संभाल के रखना। वो चावल तुम्हारी माँ ने दिए हैं, या तुम्हारी सास ने दिए हैं, या तुम्हारे मौसी ने दिए हैं, ठीक है, माँ के बाद मौसी का ही स्थान होता है, पर वो चावल कभी ना इधर उधर मत जाने देना, ठीक है। उस चावल को अपने पास रखना, मेरे पास वो चावल नहीं है, मम्मी है ही नहीं, और मम्मी के जाने के बाद मुझे पता चला था कि ऐसे भी होता है, तो मम्मी तो है ही नहीं तो किससे लेंगे। तो ठीक है ना, आपको मेरी बात समझ आ गई।
ऐसा कीजिएगा आप, तो चावल की ढेरी पे सुबह शाम श्री सूत का पाठ कीजिएगा, देसी घी का छोटा सा दीपक लगा देना। अगर आप समर्थवान नहीं हैं तो कोई भी दिया लगा देना, लेकिन मेरा विश्वास करिए, संध्या का विश्वास कीजिए। एस्ट्रो संध्या सक्सेना आपको कभी झूठ नहीं बोलेगी, आपका काम पक्का होगा, विश्वास के साथ करना। माता पिता में बहुत शक्ति होती है, और जिन लोगों को अपने माता पिता से बैर है, मुझे पता है बहुत से लोगों को अपने माता पिता से नहीं बनती है, तो रोने घबराने की जरूरत नहीं है यार। रात को सोते समय अपने माँ बाप को मानसिक रूप से प्रणाम करके बोला करो कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से प्यार करें, मेरी मन की इच्छा को पूरी कर दें। कंटिन्यूटी में कई दिन बोलोगे ना, काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बहुत खुश रहिए। भगवान गणपति आप सब पे कृपा बनाए रखे। और हाँ, मेरा कोई भी उपाय खाली नहीं करना, इसलिए डोनेट कर देना इस उपाय को करते समय। मेरी आंटी में भी डाल सकते हो पैसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वरना किसी भी गरीब को, फकीर को, वरना तो मंदिर में दे दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आप सब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।